बुलेट न्यूज फटाफट में आपका स्वागत है, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लाता है दर्श न्यूज। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं अब तक की टॉप खबरों को। नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ था। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार को हर साल 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बिहार के मुंगेर जिले को सीएम नीतीश कुमार की सौगात मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। आज से विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की शुरुआत होने जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसका उद्घाटन आज शाम 4 बजे करेंगे। यह मेला 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। समस्तीपुर में 3 दिवसीय राजकीय विद्यापति महोत्सव की आज से शुरुआत होने जा रही है। इसकी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। कई नेताओं का यहाँ जुटान होगा। मोतिहारी जिले से बेहद दर्दनाक खबर आ रही है, जहां जिले के घोड़ासहन इलाके में एक घर में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर बोधगया के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सहदेव खाप के पास बस और हाईवा की टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। इसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जमुई जिले के गढ़ी थाना में तैनात दरोगा प्रभात रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास ने बीते दिन कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा प्रभात रंजन की हत्या कर दी गई थी। बिहार में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते पटना एयरपोर्ट पर आज सुबह आने वाले 7 विमान लेट हो गए। विमानों की लेट लतीफी 39 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की है। इसमें अधिकतर फ्लाइट्स इंडिगो की है। बिहार सहित पूरे देश में 4 से 11 दिसंबर तक बैंकों में चरणबद्ध तरीके से हड़ताल होगी। इसमें विभिन्न बैंकों के कर्मी अलग अलग तिथियों को हड़ताल में शामिल होंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों में मानव संसाधन की अत्यधिक कमी के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बीते दिन कहा कि 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब क्रमशः 7, 14 और 15 दिसंबर को होंगी। पुराने शेड्यूल में 14 दिसंबर को होने वाली प्रधान अध्यापक परीक्षा अब नए शेड्यूल में 7 दिसंबर को ही होगी। पूरा शेड्यूल देखने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 6ठा राज्य सम्मेलन आज और कल पुलिस लाइन में होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो होंगे। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा होगी और नई कमेटी का गठन भी होगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज भोगनाडीह स्थित सीधो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद भोगनाडीह से ही मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की जाएगी। इस बाइक रैली में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। झारखंड के सिमडेगा के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में आज से प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में झारखंड समेत बिहार, ओडिशा व छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रविवार 26 नवंबर को दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जाना है। इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। राज्य भर में पारा गिरने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री बांका में दर्ज किया गया। पटना के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की कमी आई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।